हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारी सेकंड वीडियो लाइंस एंड एंगल्स पर। और इससे पहले फर्स्ट वीडियो बन चुकी है इसकी, जिसमें हमने सीखा था पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। तो ये जो सेकंड वीडियो बनाई है, ये बनाई है एंगल पर बेस्ड है। ये सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि एंगल क्या होता है। तो एंगल जो है वो रेज से बनता है, जब दो रेज आपस में एक दूसरे से मीट करती हैं एक कॉमन एंड पॉइंट पर, और उसकी वजह से एंगल क्रिएट होता है। तो देखिए, जैसे कि यहां पर ओ ए और ओ बी रे हैं और ये दोनों कॉमन एंड पॉइंट ओ पर मीट कर रही हैं, तो इससे एक यहां पर जो स्पेस क्रिएट हुआ है वो एंगल कहलाएगा। तो इस एंगल को हम अलग अलग नामों से बुला सकते हैं, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं एंगल ओ, या एंगल ए ओ बी भी बोल सकते हैं, या बी ओ ए भी बोल सकते हैं। अब इसमें ओ बी और ओ ए जो है इस एंगल की आर्म कहलाएंगी, ठीक है। और जहां पर ये कॉमन एंड पॉइंट से दोनों रेज यहां पे मिल रही है, जो कॉमन एंड पॉइंट है इसका, हम इसे वर्टेक्स कहेंगे। तो एंगल जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उसके अलग अलग टाइप्स अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है जीरो एंगल, मतलब ऐसा एंगल जो जीरो डिग्री का होता है, हम उसे जीरो एंगल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां दिखाया है कि ए ओ और ओ बी, ओ ए और ओ बी दोनों की दोनों रे जो है वो एक दूसरे पर कंसाइड है, ठीक है, एक के ऊपर एक है, तो ये इस समय जीरो एंगल फॉर्म कर रही है, तो हम इसे जीरो एंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल, जो मोर देन जीरो डिग्री हो और लेस देन 90 हो, मतलब ऐसे सारे एंगल जो जीरो से बड़े हैं लेकिन 90 डिग्री से कम हैं, तो वो सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल कहलाएंगे। जैसे कि आप बोल सकते हैं 60 डिग्री, 50 डिग्री, 25 डिग्री, ठीक है, 79 डिग्री, तो इस तरह से ये सारे जीरो एक्यूट एंगल कहलाएंगे। जैसे कि मैंने यहां बनाया हुआ है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से जितने भी एंगल कम हो और लेकिन जीरो से ज्यादा हो तो वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होगा जैसे मैंने यहां दिखाया हुआ है, और इसको हम देखो इस तरह से दिखा सकते हैं, ये 90 डिग्री है। उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे सारे एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, वो सारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। जैसे देखिए आप यहां पर, ठीक, यहाँ पर बी ओ ए जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो 90 डिग्री से सारे एंगल जो ग्रेटर होते हैं लेकिन 180 डिग्री से कम होते हैं वो एक्यूट, तो सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सीधी लाइन बनती है इसके अंदर, देखिए बिल्कुल सीधी लाइन, तो एग्जैक्ट 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब जो मोर देन 180 डिग्री हो और लेस देन 360 डिग्री हो, मतलब कि 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। जैसे कि आपका हो गया कि 190 डिग्री का एंगल, 270 का एंगल, मतलब सारे ऐसे एंगल जो 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो। उसके बाद कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो होता है वो एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है, इसमें जो है वो पूरा रोटेशन ले लेती है जो रे है अपना, ठीक है, पूरा का पूरा रोटेशन को ले चुकी है, मतलब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा घूमकर दोबारा से कंसाइड हो गई है, यहां पर रोटेशन नहीं लिया था। जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल में यही फर्क होता है कि इसमें अभी स्टार्ट भी नहीं किया था उसने, और यहां पर स्टार्ट होने के बाद दोबारा से कंसाइड हो गई है पूरा घूमकर, ठीक है। तो जब ये एग्जैक्ट 360 डिग्री का एंगल बनाएगी तब ये जब भी पूरा रोटेशन ले लेगी, तो 360 डिग्री का जब भी एंगल बनेगा, ठीक है, तो इस तरह से वो कंप्लीट एंगल कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तब वो तब हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे आप ले लो, जैसे 70-20 डिग्री, 70 डिग्री और 20 डिग्री दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई अगर एक एंगल है 50 डिग्री का, आप उसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा 50 डिग्री का, 40 डिग्री, क्योंकि 50 डिग्री में कितना ऐड करें कि 90 डिग्री तक पहुंचा जा सके, तो हमें इसमें 40 डिग्री ऐड करना होगा। तो इस तरह से हमसे पूछा जा सकता है कि आप सप्लीमेंट एंगल बताओ या कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ उसका, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल दे दिया जाए तो। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर दो एंगल का सम मिलाकर 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि 120 डिग्री और 60 डिग्री, तो 120 और 60 मिलकर हो गया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री जब दो एंगल मिलकर 180 डिग्री फॉर्म करेंगे टोटल, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कराएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आप सपोज कीजिए कि एक एंगल है 150 डिग्री का, तो
इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो 150 डिग्री में कितना ऐड करें कि 180 डिग्री बन जाए, तो हम उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, 30 डिग्री। तो इसका मतलब 150 डिग्री का सप्लीमेंट क्या कहलाएगा, 30 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये। अब आने वाली वीडियोस के अंदर हम अभी बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, तो देखते रहिए और वीडियो को सीक्वेंस में ही देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आपको मैथ्स करने पे बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।